हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है कुछ अलग ही है, बट मैं आपको जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वो ऐसा वीडियो भी आपको देखना पसंद है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मेरा जो सेकंड का चैनल है लॉजिक सर्किट, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके भी सर इससे रिलेटेड वीडियो आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज जो मैं आपको दिखाने वाला, थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि कितना साल पुराना हमारे पास पंखा है। 50 साल 100 साल पुराना पंखा, बहुत ही भयानक है, जिसको मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक मैंने जो अभी वीडियो में दिख रहा है वो मैं एक बनाया रेडार सिस्टम, जैसे कि सामने में इसका कोई भी आता है तो इसको सेंस करता है, और यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर में दिखा देते हैं फ्रेंड। तो जैसे कि आपको दिखाते हैं कंप्यूटर में किस तरीके से दिखाता है, यहाँ पे ग्रीन है और जहाँ जहाँ पे रेड रेड आ जाएगी उस एंगल में आदमी या कोई भी वहाँ पे व्यक्ति आ चुका है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे रेड दिखा रही है फ्रेंड। तो ऐसा वीडियो देखना पसंद है फ्रेंड तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप इजीली देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो को दिखाते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास 50 साल पुराना सीलिंग पंखा है फ्रेंड। 50 साल 100 साल पुराना, ये तो मुझे भी नहीं पता कितना पुराना है, लेकिन देखिए वर्ल्ड इज वर्ल्ड। इसकी बेयरिंग इतनी मोटी है, इसकी बेयरिंग इतनी बड़ी है, इसकी क्वालिटी इतना हैवी है कि पंखा लगते कि नहीं कभी ख़राब होगा। हाई वोल्टेज की वजह से ही ये जो पंखा ख़राब हुआ है और हमारे पास रिपेयर के लिए आया फ्रेंड, वो भी क्रम्पटन, जो कि ब्रांड अभी भी चल रही है फ्रेंड। क्रम्पटन का पंखा अभी भी मिलती है फ्रेंड, कितना पुराना ब्रांड है फ्रेंड। तो इसका पंखा आप ज़रूर लें क्रम्पटन का। और यहाँ पर देखिए 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 300 वोल्ट, बहुत ही बड़ी कैपेसिटर इसमें लगी हुई, सबसे पहली कंपनी का। और अंदर में कोयल भी बहुत ही बड़ी है, कोयल भी आपको दिखाऊंगा फ्रेंड आगे में, बने रहिए वीडियो में। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पंखा था पहले के ज़माने का, और बहुत ही हैवी कोयल है। अगर इस कोयल की बात करें बेंडिंग करने का अभी के टाइम में, तो 1100-1200 रुपये सिर्फ बेंडिंग का है, और बाकी फिटिंग चार्ज 500, मतलब 1500-1600 रुपया 2000 के आसपास इस पंखा में एक बार खर्चा हो सकता है फ्रेंड। तो चलिए, इसका कोयल का भी इंटरनल पार्ट आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, कितनी हैवी क्वालिटी है। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ, इंटरनल वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है फ्रेंड। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, आप उसको इस वीडियो को दिखाना चाहते हैं तो हमारा जो है वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो।